अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन इन अवर ऑनलाइन क्लासेस। साइकोलॉजी के इस विषय में, सब्जेक्ट में, हम चैप्टर नंबर 8 को कवर कर रहे हैं, जिसका नाम है शख्सियत, जिसमें हमने शख्सियत की नशोनुमा पर असरअंदाज होने वाले अवामिल, ठीक है, उसके बाद शख्सियत के मापन के जो पैमाइश थे उसके मुतालिक समझा। आइए सेशन में समझते हैं कि ज़ात क्या है, ज़ात का मफहूम और उसकी तारीफ़। सबसे पहले तो ज़ात को गुजराती में कहेंगे सौक, ठीक है। ज़ात शख्सियत की असल है। ज़ात शख्सियत का ऐसा मरकज़ है जिसके गर्दो पेश ही शख्सियत की नशोनुमा होती है। हर फर्द की ज़ात और शख्सियत जुदागाना होती है, ठीक है। ज़ात अलग है, हमारी शख्सियत अलग है। ज़ात में अगर मैं नॉर्मली आपको कहूँ तो ज़ात यानी कि हम अपने नज़रिए में किस तरह से है वो ज़ात हमारी कहलाती है, हमारी सौ, जिसे हम ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, ज़्यादा सही तरीके से जानते हैं। और शख्सियत यानी कि जो दूसरों के ज़रिए हमारी बनती है, ठीक है। दोनों में फ़र्क है। ज़ात का मफहूम समझते हैं। ज़ात नफ्सियाती साइंस के मुताले का अहम मौजू है। बचपन से ही हम अपनी ज़ात को पहचानने के लिए मुसलसल कोशिश रहते हैं। उन कोशिशों के नतीजे में हम अपनी ज़ात के मुताले कुछ राय बांधते हैं, हालांकि उसके बारे में हम पूरी तरह बाशऊर नहीं होते। हम कौन हैं इसके मुतालिक समझने के लिए कुछ सरगर्मियाँ करें तो उससे भी हमें ज़ात का अंदाज़ा होता है। बुक में आप देख सकते हैं ज़ात को समझो लिखा हुआ है, पेज नंबर 96 पर। हमें अपनी ज़ात को खुद समझना है कि हम इंसान किस तरीके के हैं, ठीक है, ईमानदार है, बेईमान है, सबसे पहले ये हमें तो समझना होगा। तो यहाँ पर कुछ सरगर्मी दी है कि साथ है, आपको अलग अलग लोगों से सरगर्मी करवानी है या फिर अपने आप को करनी है, कि आप किस तरह से हो, आपके अंदर जो खसूसियात है उनको बयां कीजिए। इससे आपको पता चलेगा कि आप के अंदर आपकी ज़ात किस तरह से है, ठीक है। ज़ात की तारीफ़ देख लेते हैं। ज़ात की अगर मैं बात करूँ तो सिफात, समाज और तहजीब के हवाले से खुद अपने बारे में हम अपनी एक इमेज जो बनाते हैं, वो इमेज क्या होती है हमारी, उससे हम ज़ात कहते हैं। ज़ात की तारीफ़ यहाँ पर पी कप्पू स्वामी की तारीफ़ हम समझते हैं। उन्होंने कहा, ज़ात यानी फ़र्द अपने गर्दोपेश की दुनिया के साथ ताल्लुकात का जो मफहूम समझता है वो ज़ात है। फ़र्द जो अपने दरपेश आसपास का जो माहौल है उसके दुनिया के साथ ताल्लुकात किस तरह से कायम करता है, वो उसके मफहूम को किस तरह से समझता है, उसके ऊपर ज़ात डिपेंड करती है। दूसरी अगर हम लैंग्वेज में कहें तो दूसरी तारीफ़, फ़र्द की ज़ात यानी फ़र्द खुद को जिस तरह देखता है, वो हम अपने आप की इमेज क्या बनाते हैं, हम अपनी नज़रों में क्या है, वो हमारी ज़ात कहलाती है। याद रखना शख्सियत और ज़ात अलग अलग है। ज़ात की हम बात करें तो ज़ात की वजाहत में हम उसे दो तरीक़ों में बांट सकते हैं। एक है ज़ात की तफावली हैयत और दूसरा है ज़ात की मौरूजी हैयत। एक हैयत वो जो हमारी अंदरूनी है, जो हमारी खसूसियत है, जो हमें दूसरों से अलग करती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका नाम अगर हिना है और आप ईमानदार शख्स हो तो ये आपकी तफावली हैयत हो गई, ज़ात की आत्मलक्ष्य स्वरूप हो गया। हिना और भी हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि वो सारे के सारे ईमानदार हो, ठीक है। ज़ात की मफूली हैयत भी यानी कि मारूजी तौर पर हम जो अपने शख्सियत बनाकर बैठे हैं, जो दूसरे हमें जानते हैं, हम उस तरह से अपने आप को उनके सामने पेश करते हैं, जैसे आप सिंगर हो, टीचर हो, मुसव्विर हो, इस तरह से हम बयां करते हैं, ठीक है। दोनों हैयत की ताब थ्योरी को पढ़ लेना एक बार। ज़ात की नशोनुमा और ज़ात का इंज़िबात। ज़ात की नशोनुमा कैसे होती है और हमारी सौ पर, हमारी ज़ात पर हम कंट्रोल किस तरह से कर सकते हैं। याद होगा आपको, हमने हिजान के बारे में भी पढ़ा था कि हिजान पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। सेम इसी तरह से ज़ात पे कंट्रोल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब ज़ात की नशोनुमा किस तरह से होती है, ज़ात की नशोनुमा की हम बात करें, स्वानो विकास कहेंगे इसे। कम उम्र में बच्चा बोलना सीखे उससे कबल ही उसमें कुछ समझदारी पैदा हो जाती है। छोटा बच्चा जब बोलना सीखता है, पूरा नहीं बोल पाता लेकिन उससे पहले ही उसके अंदर थोड़ी थोड़ी समझ आ जाती है। ये बात बच्चों की नशोनुमा में नहायत अहमियत के हामिल है कि उनकी ज़रूरतों के तहत उन पर तवज्जो देते हैं या नहीं। बच्चे इस बात को ध्यान से समझते हैं कि उनके माँ बाप और आसपास के लोग बच्चों को किस नुक्ते नज़र से देखते हैं, उनके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी क्या कदर रखते हैं। इन सब बातों की बिना पर बच्चे अपनी ज़ात की खुद ही कदर पैमाई करते हैं। इस पर से वो अपने बारे में ख्यालात, राय, मफरूजात कायम कर लेते हैं।
ज़ाहिर सी बात है कि बच्चा जब पैदाइश के बाद उसकी दुनिया तो उसके घर ही है, उसके फैमिली है। जब बच्चा बोलने लगे उससे पहले ही उसके अंदर कुछ समझदारी आ जाती है, जिससे वो ये अंदाज़ा लगाता है कि मुझे घर में कितनी, मतलब कितनी कदरें मिलती है, कितने प्यार मोहब्बत मिलती है, उसका दर्जा क्या है। भले ही वो छोटे पैमाने पर करता है, अगर उसको कोई चीज़ें नहीं मिले वो ज़िद्दी बन जाएगा, क्योंकि उसे उस चीज़ की समझ आएगी कि मेरी ज़िद मेरी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कोई दो भाई है, उसमें एक भाई को ज़्यादा कुछ, मतलब उसको ज़्यादा ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाए, ये सारी चीज़ें भी बच्चे के माइंड पर इफ़ेक्ट करती है और इसी से हमारी सौ नशोनुमा होती है। ज़ात किस्मों की हम बात करें तो ज़ात की टोटल तीन किस्में हैं, हकीकी ज़ात, मुमकिना ज़ात और मिसाली ज़ात। हकीकी ज़ात की हम बात करें तो जब हम खुद में फ़िलहाल मौजूद खूबियों और खामियों के मुतालिक गौर फिक्र करते हैं, वो हमारी हकीकी ज़ात है, वास्तविक ज़ात, वास्तविक सौ। हकीकी ज़ात यानी कि फिल्फ और वक्त में हम हमारी खूबियों को देख रहे हैं कि हाँ मैं ईमानदार हूँ, मैं अच्छे से मेरी राइटिंग अच्छी है, या फिर मैं हमेशा सच बोलता हूँ, ये सारी हमारी खूबियाँ देख रहे हैं। सेम खामियाँ भी, कि कई बार मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा कर देता हूँ या कर देती हूँ, फिर मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमारे अंदर हम जो खूबियाँ और खामियाँ देखते हैं वो हमारी हकीकी ज़ात होती है। मुमकिना ज़ात जब हम कैसे बन सकते हैं उस बारे में गौर फिक्र करते हैं, मतलब में हम फ्यूचर की बात सोचते हैं कि आज मैं इस मुकाम पर हूँ लेकिन मैं कल वो मुकाम भी हासिल कर सकता हूँ। कोई सिंगिंग बहुत अच्छी करता है, वो ये सोचेगा कि आगे जाके मैं भी नेहा कक्कर, आतिफ असलम जैसा बन सकता हूँ। ये क्या है, हमारी मुमकिना ज़ात है। मिसाली ज़ात, जब हम उस पर गौर करते हैं कि हमें कैसा बनना है। ठीक है, इसके पहले मैंने बात की कि हम भी वो स्टेटस हासिल कर सकते हैं। ठीक है, मेहनत करके हम भी कुछ अच्छे, मतलब कोई छोटा बच्चा है फेल हो जाता है, वह सोचेगा कि मैं भी मेहनत करके डॉक्टर टीचर तो बन ही सकता हूँ। ये हमारी मुमकिना ज़ात हो गई। लेकिन मिसाली ज़ात आइडल होती है कि मेरा वो आइडल है, मुझे उसी के जैसा बनना है। जैसे कोई, मान लो कोई सचिन तेंदुलकर या फिर विराट कोहली जैसा बनना चाहता हो, उसे क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट है, तो वो कहेगा कि मुझे इन जैसा बनना है। वो क्या है, हमारी मिसाली ज़ात। हम पर्टिकुलर एक शख्स को बोलते हैं कि हमें इस जैसा बनना है। तो ये तीन टाइप की हमारी ज़ात है, हकीकी ज़ात, मुमकिना ज़ात और मिसाली ज़ात। ठीक है, अगर फ़र्द की मिसाली ज़ात से उसकी हकीकी ज़ात बिल्कुल मुख्तलिफ हो तो फ़र्द को मुआफ़िकत करने में दुश्वारी पैदा होती है। फ़र्द की मिसाली ज़ात की हम बात करें कि फ़र्द ने बहुत ही ज़्यादा आला दर्जे का फ़र्द है और उसको अपना आइडल बनाया है, और वैसा तो वो ज़रा भी नहीं है। जो फ़र्द को उसने आइडल बनाया है वो बहुत ही ईमानदार है, बहुत ही नेक है और बहुत बड़े ख़ानदान का और बहुत ज़्यादा स्टेटस वाला है। और जो लड़का है जो उस जैसा बनना चाहता है, वो बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा शरीफ नहीं है, मान लो झूठ बोलता है उसके आसपास के माहौल के हिसाब से, तो उसे उस जैसा बनने में ज़्यादा टाइम लगेगा, जाहिर सी बात है। अगर वो उस चीज़ पे मेहनत करेगा तो वैसा वो बन सकता है। अब इस ज़ात के इंज़िबात, हमें हमारी ज़ात का इंज़िबात कंट्रोल करना भी ज़रूरी है, उसके कुछ तरीके हैं, उसे हम देखेंगे। ज़ात का इंज़िबात ज़िंदगी मुसलसल तगय्युर पज़ीर है। हमारी लाइफ, हमारी ज़िंदगी एक जैसी नहीं होती। बचपन में कुछ अलग सिचुएशन होती है, वक्त बदलने के साथ साथ सिचुएशंस बदल जाती है। इंसान पूरी ज़िंदगी अपनी ज़रूरियात के उसूल के लिए मुसलसल सरगर्म रहता है। ज़रूरियात के उसूल में कभी कभी फ़र्द को हालात से समझौता करना पड़ता है, या फिर कभी कभी हालात से नम्र आज़मा भी होना पड़ता है। ज़ाहिर सी बात है, हमें दुनिया में हर चीज़ हर वक्त नहीं, वक्त पे नहीं मिलती है, वक्त लगता है किसी चीज़ को। ऐसे दुश्वार हालात में फ़र्द को अपनी ज़ात को सब्र बर्दाश्त के साथ रखना नहायत ज़रूरी है। हमें अपनी ज़ात को समझाना होता है कि अगर हमें कोई चीज़ की तलब है वो हमें नहीं मिल रही है, या फिर हमें हमारे हालात ख़राब है, वक्त ख़राब है, तो ये वक्त गुजर जाएगा। इसीलिए हमें हमारी ज़ात पर कंट्रोल करना ज़रूरी है। हमारे मकसद को हमें नहीं भूलना है, भले ही हमारी सिचुएशंस किसी भी तरह की हो। तो ज़ात को इंज़िबात करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कुछ नफ्सियाती तदाबीर है, उसे हम देखते हैं कौन कौन से हैं। गुजराती में से कहे गए सौ नियमन मनी मनोवैज्ञानिक प्रविधियों। ठीक है, टोटल चार किस्म की है, ज़ाती किरदार का मुशाहिदा, मुहिजी इंज़िबात, ज़ाती तकवियत और ज़ाती तालीम। ये चार चीज़ों को हम समझ लेते हैं।
ذاتی کردار کا مشاہدہ سب سے پہلے ہے سیلف آبزرویشن، نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ ہم اپنے سیلف کو آبزرو کریں۔ ذاتی کردار کا مشاہدہ نفسیات کی چلتی پھرتی تجربہ گاہ کی مانند ہے۔ ذاتی کردار جو ہے وہ ہم کہیں پر بھی کر سکتے ہیں، ہمارا کردار ہم اپنے کردار کا انالائز کریں گے کہ ہم نے آج کون کون سے کام کیے، کیا اچھے کام کیے، کیا برے کام کیے، ہماری اپنی صلاحیتوں کو دیکھیں گے، ہماری کمیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ ہماری ذاتی کردار کا مشاہدہ، اس کو چلتی پھرتی تجربہ گاہ بھی بولتے ہیں۔ یہ ایک مارکس میں آپ کا سوال آتا ہے کہ چلتی پھرتی تجربہ گاہ کسے کہیں گے، تو ہماری ذاتی کردار کے مشاہدوں کو، کیونکہ ہم یہ آرام سے اٹھتے بیٹھتے سوچتے سمجھتے اس چیز کو کر سکتے ہیں، ہماری ذات کا آبزرویشن کر سکتے ہیں۔ سیکنڈ ہے محیط جذبات۔ عام طور پر ہمارا زیادہ تر برتاؤ وقت، حالات اور موقع کی مناسبت سے دیے جانے والے رد عمل کی شکل میں ہوتا ہے۔ اگر فرد کو اپنی ذات کا انضباط کرنا ہو تو محیط پیدا کرنے والے محیجات پر قابو حاصل کرنا ہوگا۔ مثلا مثال کے طور پر تہیش پیدا کرنے والے، ادب اشتعال پیدا کرنے والے مناظر یا فلموں سے اگر ہم دور رہے تو ذاتی انضباط میں آسانی پیدا ہوتی۔ علاوہ از عظیم شخصیات کی سوان عمریوں کے مطالعہ، دھیان، پرانایام وغیرہ جیسے کرنے سے ہماری ذاتوں، ہماری محیجی انضباط ہوتا ہے۔ جو چیزوں سے ہمیں غصہ آتا ہے اس چیزوں سے اگر ہم دور رہے گے تو ہم اپنی ذات پر کنٹرول کر سکتے ہیں۔ کہنے کا مطلب صرف اتنا ہے، ہماری ذات پہ کنٹرول کرنا ہے تو اس سچویشن سے چلے جاؤ جہاں پر تمہیں غصہ آتا ہے یا پھر تمہارے اندر نگیٹیوٹی پیدا ہوتی ہے، وہاں سے چلے جاؤ۔ اور بھی طریقے، آپ پرانایام کیجیے، دھیان کیجیے، نماز پڑھیے، قرآن پڑھیے، یہ ساری چیزیں بھی ہے ہی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ذاتی تقویت۔ ذاتی تقویت یعنی کہ انعام یا سزا کے ذریعے خود انضباطی کرنا۔ مثلا اگر کسی طالب علم نے متعینہ وقفے میں دیا ہوا گھر کا کام عمدگی کے ساتھ پورا کیا ہو، وہ خود اپنی ذات کو شاباشی یا کچھ اور انعام سے نوازتا ہے۔ اس طرح طالب علم اپنی کسی لت یا بری لت کو ترک کرنے کے لیے اپنی سزا بھی بذات خود طے کر سکتا ہے۔ انعام یا سزا حاصل کرنے کے لیے فرد اپنے خاندان کے ارکان، دوست و احباب کا بھی تعاون لے سکتا ہے۔ ذاتی تقویت یعنی کہ ہمارے اندر جو خوبیاں ہیں ہم اسے بڑھا سکتے ہیں، اپنے لیول پہ بھی بڑھا سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ نے کچھ اچھا کام کیا ہے تو آپ کو دوسرے ہی شاباشی دے۔ سب سے پہلی شاباشی تو ہماری ہونی چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ کام کیا، دوسروں کے لیے نہیں کیا، ہمارے لیے کیا ہے، تو ہماری شاباشی اس میں سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ کو اگر کوئی بری چیزیں ہے، سگریٹ کی لت ہے، شراب کی لت ہے، اسے آپ دور کرنا چاہتے ہو تو آپ سوچئے کہ میں اگر میں شراب نہیں پیوں گا، اگر میں نے پی لی یا پھر میں نے سگریٹ پی لی تو میں اپنے آپ کو یہ سزا دوں گا۔ سزا چھوٹی موٹی ہونی چاہیے، نارملی کھانا نہیں کھاؤ گا یا پھر کسی سے بات نہیں کروں گا، کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہمیں اپنی ذات کو تقویت دینی۔ آپ یوں بھی کر سکتے ہو کہ آپ کے فرینڈ سرکل میں آپ کو چیزیں ہیں جو آپ کو دور کرنی ہے اپنے آپ سے، یا پھر کچھ اچھی چیزیں آپ کو اس کو اور بڑھانا ہے، تب آپ کے فرینڈ سرکل میں بھی کہہ سکتے ہو کہ میں کر کے بتاؤں گا، مجھے یہ انعام دینا ہوگا۔ اس سے کیا ہوتا ہے، انعام و سزا سے ہماری وہ ذاتی تقویت مضبوط ہوتی ہے۔ تقویت کا مطلب ہی ہوتا ہے مضبوطی۔ تو اس طرح سے ہمیں اپنی ذات کے اندر ہم طاقت کو لا سکتے ہیں، تقویت بنے گی، ہماری ذات میں ایسے ہی کنٹرول ہوگا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے ذاتی خود کی تعلیم۔ اپنی ذات کے ساتھ گفتگو کے ذریعے بھی فرد اپنی ذات کے متعلق خیالات یا اپنے کردار کو صورت دے کر اسے منضبط کر سکتا ہے۔ آج سے برسوں پہلے ایمپلی کمپنی نے ذاتی تعلیم کا بیان دیا تھا جو ذات کی نشوونما میں آج بھی خاص سودمند ہو سکتا ہے۔ اس کے ذریعے دیا گیا بیان ہے کہ ڈے بائی ڈے ان ایوری ڈے ایوری وے آئی ایم گیٹنگ بیٹر دین بیٹر اینڈ بیٹر۔ انہوں نے بولا کہ جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں میں اچھے سے اچھا اور زیادہ اچھا ہوتا جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، صحت مند ہوتا جا رہا ہوں۔ اس بیان کو باقاعدگی سے رٹنے سے نفسیاتی مریضوں اور ہمارے اپنے ذاتی خیالات ہمیں مثبت لگنے لگتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو سوچتے ہیں، ہم جو بار بار بولتے ہیں، اسی کا افیکٹ ہماری پرسنالٹی پر، ہماری ذات پر پڑتا ہے۔ اسی لیے ہمیں اچھی اچھی باتیں، پازیٹیو باتیں بولنی ہے تو ہماری ذات پر بھی پازیٹیو اثر پڑے گی۔ دوسرا ایک جملہ ہے، نوئس نے کہا ہے، ناؤ آئی لو اینڈ اپروو مائی سیلف، یعنی اب میں اپنی ذات کا اعتراف کرتا ہوں اور اپنی ذات کو چاہتا ہوں۔
यानी कि हम इतने अच्छे बन गए हैं कि हम हमारी ज़ात को खुद चाहते हैं, हमारी ज़ात मतलब में हम बहुत अच्छे। ये चीज़ें करने से क्या होगा, हमारी ज़ात पर कंट्रोल होगा, हमारा जो गोल है हम उस पर सही तरीके से फोकस कर पाएंगे। तो इम्पॉर्टेंट है हमारी ज़ात पर कंट्रोल हमारा। ये चीज़ें हम हमारी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, हमारी अपनी खुद की ज़ात है, हम सिर्फ ये एजुकेशन लेवल पर नहीं पढ़ रहे हैं। अगर आप इसे पर्सनल लेवल पर देखें तो हम सारी चीज़ें हमारी लाइफ से, हमारे एटमॉस्फेयर से, हमारे आसपास से, सोसाइटी से इसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो खुद भी अपनी ज़ात को कंट्रोल करने के इन तरीकों को पढ़िए, थियोरी को पढ़िए और समझिए, ठीक है, और सोचिए कि आप क्या अप्लाई कर सकते हैं इन चीज़ों के ज़रिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 शख्सियत, वो कम्प्लीट होता है। 9 हमने पहले ही कम्प्लीट कर लिया था। इसके जो भी सेक्शन बी है वो आपको लिख लेने हैं, और अगर कुछ ना समझ में आए तो आप कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हो, ठीक है। आपका जो एग्ज़ाम आने वाली है अभी 6th यूनिट टेस्ट, उसमें इस चैप्टर से भी काफ़ी सारे सवाल जवाब है। थियोरी को पढ़िए, बहुत इजी चैप्टर है, ज़्यादातर मापन की पैमाइशें दी गई है, उनको पढ़िए, समझिए। अलग अलग सोर्सेज का इस्तेमाल आप भी कर सकते हो, जैसे आप देखोगे तो यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस और भी अवेलेबल है अलग अलग पैमाइश की पद्धति के तरीकों के बारे में बताने के लिए। जानिए कि रोर्शाक क्या है, उसने और कौन से सीआई के धब्बे वाली टेक्निक बनाई थी, ठीक है। थोड़ा खुद से और करने की कोशिश कीजिए तो आपको इस चीज़ में रियली मज़ा आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।